बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री, कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTS 302, लेक्चर नंबर 44 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 8.4 से कनेक्टेड होने जा रहा है, जो कि SM यूसुफ इन्फिनिट सीरीज चैप्टर नंबर 8 से हम कनेक्टेड हैं। और जो आपके सिलेबस में रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 परफॉर्म करने होंगे, यानी कि 1 से 15 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 के। और इसके लिए जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की, यूज़ द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेस। अल्टरनेटिंग सीरीज को आपने परफॉर्म करना है एज अ टेस्ट फॉर्म, जो कि गिवन सीरीज कन्वर्ज हो, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा हो तो आप अल्टरनेट टेस्ट को वहाँ पर अप्रोच करवाएं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये प्रोसीजर है। कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, समीशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी -1 raised to power n और 1 over n ln n। सॉल्यूशन है, गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, ये जो आपको सीरीज दी हुई है ये आपने एज इट इज राइट कर दिया, और यहाँ पे जो n टर्म होगी ये समीशन के अलावा होगा। समीशन के अलावा आपने ना जस्ट ये -1 raised to power n को रिमूव करें, जस्ट इतने पार्ट को आप लिख लें, 1 over n ln n। अब यहाँ पर ऑनवर्ड आपने ये स्टेप अप्लाई करना है कि आपने इस फंक्शन को, यानी कि an को एफ ऑफ एक्स फंक्शन में क्रिएट करना है अल्टरनेटिंग टेस्ट के लिए। यानी कि nth फॉर्म को जब आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है कि जहां n होगा उस n को आपने x में रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 बाय इस n की जगह x आ गया ln, और इस n की जगह भी x आ जाएगा। हम कह सकते हैं वेयर एफ ऑफ जो n है वो इक्वल है an के लिए। अगर f ऑफ n an के इक्वल है तो फिर हम f ऑफ n को f ऑफ x में कन्वर्ज कर सकते हैं। नाउ f डैश ऑफ x, उसके बाद आपने 1 by x ln x का हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो ये आएगा -1 over x ln x का स्क्वायर इंटू x इंटू 1 by x प्लस ln x इंटू 1। ये आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। तो ये आपने डेरिवेटिव मतलब अप्लाई किया, तब ये आपका स्टेप ऐसे क्रिएट हुआ। उसके बाद आपने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये जो नेगेटिव आंसर शो कर रहा है मिडल में, ये इतने रिजल्ट का आंसर हमेशा लेस देन ज़ीरो आएगा, यानी जब भी आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं। सो एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें जो भी एक्स की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं वो लेस देन ज़ीरो मिल रहे हैं। यानी कि जब आप एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू पुट करते हो, यानी कि 2 पुट किया 3 पुट किया 4 पुट किया, तो आपको आंसर लेस देन ही ज़ीरो मिल रहा है, ज़ीरो से लेस देन मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर लेस देन ज़ीरो हो डिक्रीज़ करेगा, और ग्रेटर दैन ज़ीरो आए तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एक्स ग्रेटर दैन 2 के लिए हैंस ए एन जो सीक्वेंस है इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर एन ग्रेटर दैन एन इक्वल 2। यानी ये जो आपके पास एक्स ग्रेटर दैन इक्वल 2 के लिए बार 2 है, तो ये एन ग्रेटर दैन इक्वल 2 के लिए भी बार 2 होगी। यानी कि एफ ऑफ एक्स के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हो, अगर ए एन सीक्वेंस की बात कर रहे हो तो साथ में ये ए जो एन ग्रेटर इक्वल 2 की बात कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं डैट इज़ ए एन ग्रेटर दैन इक्वल ए एन प्लस 1। ये आपके पास सीक्वेंस ऐसी है जो कि इस बात को फुलफिल कर रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर पुट करते जाएं एन इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा ए 2 हो जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाना है। यानी कि ए 1 ग्रेटर इक्वल टू ए 2 से, यानी फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर से ग्रेटर होगा, ऐसे कहना। यानी उसका जो आंसर होगा ना, ए एन का आंसर बड़ा है तो इसका आंसर स्मॉल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो स्टार्टिंग वाला आंसर होगा वो सेकंड वाले से ग्रेटर है। लिमिट ए एन एन अप्रोच इन्फिनिटी जो है, फिर लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी जो आपका रिजल्ट है 1 by n ln n, वो हमने ऐसे राइट कर देना है। जब आपने एन अप्रोच इन्फिनिटी पुट करना है तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। सो बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जिंग, हमारा आंसर जीरो आया, और ये 1 से लेस है तो 1 से लेस ये कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity cos n pi ओवर n pi का स्क्वायर रूट। गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, ये हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन सीरीज है, हमने इसको एज इट इज़ राइट कर दिया। और अब हम ऑनवर्ड आप यहाँ पर अगर cos n pi को सोल्व करें तो ये आपको ऐसी सीरीज देता है -1 raised to power n। cos n pi आपके पास ऑस्कुलेटिंग सीरीज होती है। एक्चुअली इसका आंसर जो है ना 0 पे 1 आएगा और पाई पे -1 आता है, ऐसे सो ऑन, यानी कि +1 -1 +1 -1 ऐसे चलता जाता है। इसलिए हम ना cos n pi को ले सकते हैं -1 raised to power n, और जो 1 by n pi स्क्वायर रूट है वो एज इट इज़ आ गया। जस्ट आपने cos n pi की वैल्यू ये पुट की है -1 raised to power n। अब हमने
nth टर्म में जाना है, nth टर्म यहाँ पर ये होगी 1 ओवर n पाई स्क्वायर रूट, ये हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। उसके बाद हमने ए एन को एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर n जो होगा वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 बाय पाई एक्स स्क्वायर रूट, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन। हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एन के ही इक्वल है। उसके बाद हमने यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है बाई यूजिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 1 ओवर पाई स्क्वायर रूट, यानी कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 बाई 2 एक्स इज इक्वल माइनस 3 बाई 2 एन है। फिर आपने इसको रीअरेंज किया तो ये ऐसे स्टेप हो जाएगा और ये लेस देन 0 आंसर आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू से आंसर ये कम ही रहेगा, और ये 0 से लेस देन है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 1, और ये सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो ए एन सीक्वेंस इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल 1। तो हम इसको ये भी इस अंदाज में लिख सकते हैं, हेयर ए एन ग्रेटर देन आर इक्वल ए एन प्लस 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इनके जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से ग्रेटर देन आंसर क्रिएट कर रही है। फिर लिमिट आपने अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एन इक्वल लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी 1 ओवर एन पाई स्क्वायर रूट। आपने एन को इन्फिनिटी के लिहाज पुट करना है तो ये आ जाएगा समथिंग और इन्फिनिटी, आंसर इज 0 हो जाएगा। अब ये 0 जो आंसर है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है। सो बाई आल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर एन ये आपके पास गिवन सीरीज है, ये हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। उसके बाद आपने एन टर्म राइट करनी है, एन टर्म आपके पास होगी 1 ओवर ई रेज टू पावर एन, ये हमने ऐसे राइट कर दिया। उसके बाद आपने ए एन को एफ ओफ एक्स में कन्वर्ट करना है, तो एफ ओफ एक्स इक्वल हो जाएगा 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स, यानी एन को आपने एक्स में रिप्लेस कर दिया, वेयर एफ ओफ एन इज इक्वल टू ए एन। हम ये भी कह सकते हैं एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओफ एन एंड एफ ओफ एन इज इक्वल टू ए एन। उसके बाद आपने यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव की वजह से लेस देन आंसर 0 करेगा, यानी 0 से लेस देन आंसर आएगा। तो हम फिर कह सकते हैं फॉर ऑल कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 जो भी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, जिसका आंसर 0 से लेस देन ही रहना है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, हैंस ए एन जो सीक्वेंस है इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो ये इस सीक्वेंस को भी ये बिल्कुल प्रूव कर सकता है, ठीक है ना, यानी ए एन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एन प्लस 1 है फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी ए एन इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी 1 ओवर ई रेज टू पावर एन, और जब भी आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई करोगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपका आंसर 0 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये लेस देन 1 है। सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस, ये हमारा जो कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एज इट इज़ इन्हीं स्टेप पर परफॉर्म आप सभी स्टूडेंट ने कर लेना है, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक अटैम्प्ट किए हैं ये आप इजिली परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमने 7 to 15 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में रिकमेंडेड है। और इसकी जो स्टेटमेंट है, टेस्ट द गिवन सीरीज फॉर फर्स्ट पार्ट आपने ये परफॉर्म करना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, सेकंड पार्ट आपने कंडीशनल कन्वर्जेंस आपने फाइंड करना है, एंड थर्डली आपने डाइवर्जेंस के हवाले से देखना है। ये जो स्टेप्स हैं इनको आपने परफॉर्म करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, समेशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर एन माइनस 1 एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 एन फैक्टोरियल। सोल्यूशन है गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज समेशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, ये आपके पास रिजल्ट ऐसे ही हमने राइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एंड टर्म आपके पास ये होगी समेशन के अलावा, ये हमने ऐसे राइट कर दिया। उसके बाद एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस के लिए, ये जो आपके पास वर्ड आ रहे हैं ना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो एब्सोल्यूट के लिए आपने मॉडुलस लेना है। जब आप मॉडुलस अप्लाई करेंगे, यानी कि ऐसे आपने मॉडुलस अप्लाई करना है, तो आपके पास ये नेगेटिव वाली टर्म है ये वाला, ये स्किप हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जो है मॉडुलस वो आपको नेगेटिव इग्नोर करके देता है। तो आपके पास ओनली ऑन ये रह जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 एन फैक्टोरियल, ये हमने ऐसे राइट कर दिया। उसके बाद आपको मज़ीद ये चाहिए ए एन प्लस 1 मॉडुलस, यानी एब्सोल्यूट, आपने इस एन को एन प्लस 1 में रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पे एन प्लस 1 रिप्लेस करने से आपके पास ये स्टेप ऐसे क्रिएटेड हो जाए। फिर आपने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 मॉडुलस ओवर ए एन मॉडुलस, ये हमने ऐसे अप्लाई कर दिया। लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी, ये आपके पास ए एन प्लस 1 मॉडुलस टर्म है,
मल्टीप्लाई और ये आपके पास ए एन मॉडुलस टर्म है, रेसिप्रोकल करके आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आपने सिपलेशन करनी है, एन प्लस वन फिटोरी को ओपन किया, एन प्लस वन इंटू एन फिटोरिया आ गया और टू एन प्लस टू फिटोरी को आपने ओपन किया, तो ये ऐसे फिटोरिया आपने ओपन कर लिया, टू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन टू एन फिटोरियल, फिर टू एन फिटोरियल एज इट इज़ और एन फिटोरिया भी एज इट इज़, फिर कटिंग करनी है, ये टू एन फिटोरिया कैंसिल, एन फिटोरिया भी कैंसिल, रिमेनिंग पोर्शन आपके पास ये रह जाएगा, फिर एन प्लस वन से एन प्लस वन भी कैंसिल, फिर जब आपने टू यहाँ से कॉमन लेना है तो फिर ये कैंसिल होगा, तो वन ओवर टू इंटू टू एन प्लस वन ये रिमेनिंग पार्ट रह गया, फिर आपने लिमिट आपने पुट करनी है तो आपका आंसर जीरो आएगा और जीरो लेस देन वन है, यानी कि वन से कम वैल्यू आपको मिल रही है। सो हम कह सकते हैं सो बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यानी कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेस परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट, समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी साइन एन स्क्वायर रूट डिवाइड बाय एन क्यूब प्लस वन का स्क्वायर रूट है और गिवन सीरीज में है समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी, यानी जो आपको गिवन क्वेश्चन है ये आपकी सीरीज फॉर्म है, इसमें जो एन टर्म होगी ये समेशन के अलावा ये आपके पास एन टर्म है, उसके बाद आपने इसका एब्सोल्यूट लेना है, एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो ये आपने कंप्लीट ऐसे मॉडुलस राइट कर देना है, फिर आपने जब आपने मॉडुलस अप्लाई किया तो न्यूमरेटर का अलहदा से सेपरेट, यानी मॉडुलस न्यूमरेटर में भी आपने अप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर में भी जब ये कंप्लीट का आप राइट करते होते हो, तो ये मैंने अबव पार्ट का राइट कर दिया एब्सोल्यूट, और जब आप डिनोमिनेटर का एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना क्योंकि स्क्वायर रूट फॉर्म जो है उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा होता है। स्क्वायर रूट फॉर्मेशन में आप नेगेटिव को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आ भी जाते हैं, यहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म है तो इसलिए ये पॉजिटिव टर्म की वजह से ये मॉडुलस बिल्कुल स्किप हो गया। ऑनवर्ड हमने ये जो है ना न्यूमरेटर वाला ये एब्सोल्यूट सॉल्व करना है, इसके लिए हमने ये क्राइटेरिया फॉलो करना है, नाउ साइन एन स्क्वायर रूट होल मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू वन इट्स मीन कन्वर्जेस, लेस देन इक्वल टू वन मीन कन्वर्जेस, और इसके भट्टे के नीचे देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास एन क्यूब प्लस वन स्केयर रूट आ रहा है तो आपने वो टर्म में यानी इस स्टेप में आपने एन क्यूब प्लस वन स्केयर रूट पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास ये स्टेप क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने ये फॉलो करना है कि अगर आपके पास इसका जो समीशन है इस रिजल्ट का समीशन कन्वर्ज कर रहा है तो आपके पास ये भी कन्वर्ज होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर एन की कोई भी वैल्यू पुट करें तो लेस देन वन मिलेगा इसलिए ये कन्वर्ज कर रहा है। हमने लिख दिया समीशन एन इज गेट वन टू इनफिनिटी वन ओवर एन क्यू प्लस वन का स्केयर रूट इज कन्वर्जेड, सो एन इज गेट वन टू इनफिनिटी एन का जो मॉडुलस होगा यानी इस टर्म का जो मॉडुलस होगा वो भी कन्वर्ज करेगा, हैंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, समीशन एन इज गेट वन टू इनफिनिटी माइनस वन इज टू पावर एन माइनस वन इनटू एन स्केयर ओवर एन प्लस टू का फैक्टोरियल है, गिवन सीरीज यहाँ पर आपके पास ये होगी कम्प्लीट, जो रिजल्ट आपको दिया गया है ये हमने एज इट इज राइट कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास जो एन टर्म है समीशन के अलावा होगी ये हमने ऐसे राइट कर दिया ए एन इक्वल माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू एन स्क्वायर ओवर एन प्लस टू का फैक्टोरियल, ठीक हो गया। फिर आपने इसका लेना है मॉडुलस, जब आपने यहाँ पर मॉडुलस अप्लाई करना है तो आपके पास ये जो नेगेटिव वाला रिजल्ट है ये स्किप हो जाएगा, जस्ट आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, जस्ट ओनली ऑन ये जब पार्ट रह जाएगा तो हमने ये राइट कर दिया। उसके बाद आपने ए एन प्लस वन मॉडुलस राइट करना है तो आपने क्या करना है एन को रिप्लेस कर देना है एन प्लस वन में, तो आपके पास ये ऐसे स्टेप क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने जो ऑल्टरनेटिंग जो सीरीज टेस्ट है कन्वर्जेंस के लिए वो आपने जो इसका रिजल्ट है वो फॉलो करना है यानी अप्लाई करना है थ्योरम, लिमिट एन अप्रोच इनफिनिटी ए एन प्लस वन का मॉडुलस ओवर ए एन का मॉडुलस है इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोच इनफिनिटी ए एन प्लस वन मॉडुलस का ये रिजल्ट है और ये मल्टीप्लाई ए एन मॉडुलस जो है रेसिप्रोकल फॉर्मेशन में ये रिजल्ट होगा। फिर यहाँ पर आपने फैक्टोरियल को ओपन करना है, फैक्टोरियल जब आप एन प्लस थ्री फैक्टोरियल ओपन करेंगे एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू फैक्टोरियल आएगा और बाकी ये रिजल्ट एज इट इज़ आ रहे हैं, ये n प्लस टू फिटोरी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पोर्शन n प्लस वन फिटोरी n प्लस वन का स्केयर ओपन करेंगे तो n स्केयर प्लस टू एन प्लस वन आएगा और बटे के नीचे n स्केयर को आपने n प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगी ये आना n क्यूब प्लस थ्री एन स्केयर। फिर आपने देखें हाईएस्ट जो ऑर्डर है n का वो थ्री आ रहा है यानी n की पावर थ्री है तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n की पावर थ्री पर डिवाइड कर देना है तो आपके पास ये ऐसे स्टेप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है तो ये आपके पास आ जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ओवर वन प्लस जीरो यानी आपका आंसर जीरो आ गया, जीरो लेस देन वन है इट्स मीन कि ये आपके पास रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेस हो जाएगा। सो बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यहाँ तक ही हमने क्वेश्चन परफॉर्म करने थे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 15 वो आपने परफॉर्म कर लेने हैं एस एम यूसफ से। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स
दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।